नमस्कार दोस्तों, अजय मैकेनिक। मेरे सामने एक प्लेटना है और प्लेटना ये चलते चलते बंद हो जाती है और इसको हमने जब चेक किया और लगभग इसमें इसके तार कुछ टूटे थे तो उसको हमने जोड़ करके इसको देखा तो ये अभी पहले बता नहीं रहा था, फिर बताने लगा ये। और फिर इसमें जो आ रहा है P0351, अगर हम इसको गूगल पर डालते हैं तो इसमें दिखा रहा जेनरिक करंट यानी इग्निशन कॉयल ए प्राइमरी सेकेंडरी सर्किट, ठीक है। तो इसके लिए क्या देखा कि हमने इसमें जो ये समस्या समझ में आई तो इसके लिए हमने टंकी खोल के देखा तो इसमें क्या है कि प्लग टॉप जो है वो तो बिल्कुल लोकल है, ठीक है। ये लोकल प्लग टॉप और प्लग जो भी है वो भी लोकल, दोनों प्लग हमने खुलवाया तो इधर का प्लग कैप देखिए ओरिजिनल ब्रांडेड लगा हुआ है, ठीक, बजाज का, ठीक है। और ये वाला प्लग भी चाइना मेड है, ठीक है, जो चाइना का होता है वाला, इसमें कोई नाम निशान कुछ नहीं होता, ऐसे ही होता है। और प्लग कैप भी ऐसे ही, तो इसको अब लगा करके मंगा करके तब चेक कराते हैं क्या प्रॉब्लम इसी से है, सही हो गया या नहीं हो गया वो हम आपको बताते हैं। तो पहले इसको नया प्लग लगाते हैं यानी एक प्लग सही है और दूसरा वाला प्लग भी यानी एक प्लग भी खराब है और टॉप भी खराब है, एक सही है खराब। तो इसके लिए इसमें जो बताया हमने आपको बताया, अभी हम नया लगा करके फिर देखते हैं सही हो जाती है प्रॉब्लम या नहीं। ये चलते चलते बंद हो जाती है, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चलती है बंद हो, वो प्रॉब्लम है, तो इसको बताते हैं। तो मेरे मित्र, इसमें 2 प्लग यानी लगा दिए गए और ये प्लग यानी हमने ओरिजिनल लगा दिया, प्लग यानी ओरिजिनल दोनों प्लग लगवा दिया और इसका कैप इधर वाला सही था, उधर वाला कैप भी ओरिजिनल डाल दिया गया और प्लग टॉप ये ओरिजिनल यानी पड़ गया, ठीक, और प्लग भी ओरिजिनल पड़ गया, ठीक। अब क्या होता है कि अब जब आपका ये ओरिजिनल पड़ गया है तो अब हमने बाइक वाले भैया चला के देख लिया, ठीक, और इसको हमने भी चला लिया, बाइक वाले भैया ने चला लिया, लेकिन अभी क्या है कि इसकी जो पीली लाइट होती है वो जल रही है, माल फंक्शन लाइट MIL लाइट जिसको बोलते हैं मेरे दोस्त, वो भी जल रहा है, ठीक है। तो उसको हम इरेज करते हैं वो दिखाते हैं आपको कैसे इरेज करना है, लेकिन पूछ लेते हैं भैया आप कितनी दूर बाइक चलाए। आप 3 किलोमीटर? हाँ, कितनी दूर चलाए? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर सही चल रही? सही चल रही, कोई दिक्कत? कोई नहीं। तो मेरे भैया ये भाई साहब कम से कम यहाँ से 60 किलोमीटर दूर आए हैं मेरे पास बनवाने के लिए और कम से कम भैया ने अभी 3 किलोमीटर भैया ने चलाया और 1.5 किलोमीटर हमने चलाया, लेकिन अभी कोई बंद नहीं हो रही, नहीं तो क्या होता तो उतनी दूर में ही बंद करना बहुत सारी समस्या थी, तो ये सही हो गया। अब हम इसकी MIL लाइट कैसे बंद होता है उसको हम कैसे रेस करना वो दिखाते हैं। मेरे मित्र, क्या किया हमने, अब ये लगा दिया, चाबी ऑन कर दिया, पीली लाइट जल रही है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी डायग्नोस दिखा रहा, अब हमने क्या किया यहाँ पर ओके किया, डायग्नोस दिखा रहा, यहाँ पर देखिए ओके किया, ठीक है, फिर हमने एक बार फिर से ओके किया, ठीक है। अब यहाँ पर दिखा रहा इरेज कोड, ठीक है, इरेज कोड, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको नीचे किया, यहाँ इरेज कोड दिखा रहा, ठीक है, अब यहाँ इरेज कोड के हमने क्या किया, फिर से यानी ओके किया, मेरे मित्र इसमें बताया जा रहा कि चाबी ऑफ करो, चाबी ऑफ करते हैं तो ये चला जाएगा, ठीक है। तो हमने चाबी ऑफ किया और फिर ऑन किया, ठीक है, मेरे मित्र इसमें O2 सेंसर सर्किट बैंक 1 सेंसर बता रहा मेरे दोस्त, ठीक है। तो इसको हम O2 सेंसर खोलते हैं, खोल करके
उसको साफ करके लगाते हैं, फिर देखते हैं सही हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसको हम साफ करते हैं। मेरे पास ये टिक 2000 है, इसी से हम इंजेक्टर क्लीन करते हैं, इसी से अच्छे साफ हो जाता है। ये भी जितने सेंसर होते हैं जब भी क्लीन करता है इसी साफ करते हैं। सेंसर साफ कर दिया, फिर उसके बाद अब हमने यानी फिर से बाइक को स्टार्ट किया, स्टार्ट करके क्योंकि तो बैटरी लो हो गई, ठीक है। अब उसके बाद फिर स्टार्ट करो मेरे दोस्त बाइक को। मेरे मित्र इसमें देखिए आ रहा है। मेरे मित्र ये हमको 2-3 बार करना पड़ा तब ये इरेस हो गया, और अब हम आपको दिखा देते हैं। इस तरीके से हमने 2-3 बार किया तब इरेस हुआ, और देखिए अब ये बिल्कुल सही हो गया। लेकिन अभी तक O2 सेंसर बता रहा, तो O2 सेंसर साफ कर दिया उससे, और फिर ये 2-3 बार हमने उसको चाबी ऑन किया ऑफ किया तब ये बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। बाकी मेरे मित्र क्या होता है कि अभी पूरी तरह अनुभव नहीं होता है, यानी कहाँ से क्या चीज़ यानी ये चेक किया जाता है, लेकिन धीरे धीरे करके जो भी अनुभव है उसको हम बताते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करके बताते रहेंगे, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम कभी हो तो सॉल्व कर सके। अभी आपको फिर से दिखाते हैं, स्टार्ट बंद कर बाइक स्टार्ट करेंगे, MIL लाइट जलेगी, फिर भैया स्टार्ट करिए। देखिए ऐसे तो जलती है लेकिन जब आप स्टार्ट करें तो बंद हो जाना चाहिए, तो आपको दिखाते हैं। यानी किक लगाया और बंद हो गई। अब ये इस तरीके से ये प्रॉब्लम MIL लाइट जलने की प्रॉब्लम सही हो गई। और मेरे मित्र इसके विषय में जो भी जानकारी था हमने बताना चाहा, वैसे मेरे हिसाब से इसमें प्रॉब्लम ज़्यादातर सिर्फ इसके प्लग और प्लग कैप में आता है। तो आपको जब भी ध्यान देना हो प्लग कैप और प्लग जरूर ओरिजिनल लगाएं BX6 बाइक में, इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। मेरे मित्र इसके विषय में BX6 के विषय में जो भी जानकारी बताना चाहे, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करो, कमेंट करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।